क्या कर रहा है भाई? जी नमस्ते ऋचा चड्ढा जी, आपको भी नमस्ते। फोटो शूट चल रहा है भाई, क्या कर रहे हैं इधर? लेकिन हमको आपसे जरूरी बात करना है 2 मिनट के लिए। हाँ ठीक है जी, आप ये फोटो बाद में खींच लीजिएगा, पहले हम अपना निपटा लें। क्या हुआ जी? आप बैठिए सही, हम बताते हैं आपको। ये लीजिए ऋचा जी, बैठिए। धन्यवाद। कोई है क्या यहाँ पे? कोई मॉनिटर कर रहा है ये क्या हो रहा है? कोई भी आ जाता है? नहीं नहीं कोई नहीं, मतलब हम पोस्टमैन हैं, सोशल नेटवर्क से आए हैं। आप बैठिए ना रणदीप जी। सोशल नेटवर्क से आए हो? जी जी। ये कौन सा नेटवर्क है? ट्विटर। ट्विटर ट्विटर। अच्छा जी जी जी, उसी में आप लोग अच्छा, फिल्म आ रही है। अच्छा। इसके लिए बहुत सारा ट्वीट आता रहता है आपके नाम पे। अच्छा। उससे पहले आपको एक सवाल पूछना है। बोलो बोलो। बहुत कंफ्यूजन है, आपकी फिल्म आ रही है मैं और चार्ल्स जी। हाँ। उसमें मैं कौन, चार्ल्स कौन, रणदीप जी आप कौन, ऋचा जी आप कौन? ये चार्ल्स है और बहुत सारे मैं है। मैं बहुत है। मैं चार्ल्स है। बकरी पे बनी है पिक्चर, वो टूट पे बताएगा ना। सही जगह ठोके आप, एकदम टूट पे बताएंगे। ये लिखते हैं john@john007। ओ जेम्स बॉन्ड जॉन। हाँ ऐसे ही टाइप का है। वो लिखते हैं रणदीप, जब भी कोई लड़की को अप्रोच करता हूँ मेरी सुरसुरी निकल जाती है, मैं अपना सीन कैसे सेट करूँ? पहले तो अपनी सुरसुरी को रोक के रखो, पहले तो ऐसे शुरू करो। दूसरा अपनी शक्ल आईने में देखो, अच्छी तरह नाप तोड़ लो कि भैया मेरे में ये खूबी है, ये कमी है। तो अपनी खूबियों पर ज़्यादा ध्यान दो, कमियों को कम करो, और लड़की के पास अपने आप तुम्हारा काम बन जाएगा। एकदम सही बोले हैं ऋचा जी। लगे हाथ हमको भी बता दीजिए, कहा है हम जब किसी लड़की को प्रपोज करने जाएंगे तो कैसे करेंगे, हमारा भी गीला हो जाता है एकदम, बनियान मतलब पसीने में। जी आप बनियान उतारिए, उसको निचोड़िए, नहा धो के पहुंची और साफ मन से अपनी बात कह दीजिए, कुछ तो हो ही जाएगा। अच्छा पहले साफ हो जाए, नहा धो के फिर साफ मन से बात करें। जी बिल्कुल, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए उनके प्रति। लेकिन उसका नाम तो बिजली है। अच्छा 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 अच्छा, ये बात भी ठीक है, श्रद्धा नहीं चलेगी। हाँ जी थोड़ा सा उसमें कोई नहीं, दिल में बिजली लेके घूमो जी, एकदम से करंट जैसा हो जाएगा, मतलब बिल भी कम आएगा और काम भी हो जाएगा। जी जी जी। अच्छा अगला ट्वीट जो है ऋचा जी आपके लिए है। जी जी, ये लिखते हैं सुमी भोले @भोली सी सूरत। अच्छा जी। वो लिखती है मेरा बॉयफ्रेंड पूरे दिन आप ही का फिल्म देखता रहता है। अच्छा जी, मेरी तरफ देखता ही नहीं है, ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन ओनली डिंग डोंग, व्हाट टू डू? वो क्या था गाना, भोली सी सूरत, जिसकी आंखों में मस्ती हो उससे दूरी खड़े रह के शर्माना चाहिए, ज्यादा नजदीक नहीं जाना चाहिए। जैसे गाड़ी के पीछे लिखा रहता है दूरी बनाए रखे। हाँ ऐसा अपने पीछे भी लिख के रख दो, दूरी बनाए रखे। पीछे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब दिल में रखो। हाँ। दूरी तो हो जाएगी जी पूरी। पीछे फिर मिलेंगे लिखवा सकते हो। अच्छा रणदीप जी एक बात हमको बताइए। हाँ। अभी इस फिल्म में आप टोपी पहने हैं? तुमने भी पहनी है? मैंने भी पहने, यही बात हम कह रहे हैं। देखिए आपके पास भी बाइक है, हमारे पास भी है, एकदम इको फ्रेंडली टाइप। बिल्कुल बहुत इको फ्रेंडली। लेकिन नीली बुलेट पे आपके साथ अप्सरा जैसी लड़की रोमांस करती है, हमारे बुलेट पे तो कौवा भी नहीं बैठती है। तुम्हारी एक तो बुलेट नहीं है, एक तो बुलेट होती ऊपर से नीली होती तो ज्यादा अच्छा रहता, तो लड़कियाँ बैठ जाती। वो बाइक है हमारे पास, तुम्हें दे दें क्या कुछ दिन के लिए? देखो क्या होता है, टोपी भी पहनी है, चश्मा भी पहना है, बाइक पे बैठ जाना हमारी नीली बुलेट पे, घुमा के आओ 2-3 बारी, देखते हैं क्या होता है, जो रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से तुम्हारी अगली दवा पानी करेंगे। अच्छा तो हम भी फिर अच्छा, मैं और चार्ल्स के जगह मैं और कर्ल्स। जी 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 बहुत सही है। रणदीप जी आपके लिए है एक ट्वीट और। जी वो लिखते हैं रमीला देसाई @cowlover। जी वो लिखते हैं मेरे बॉयफ्रेंड एकदम गाय था। जी लेकिन जब से आपका वो शो, आपका शो आता है ना इसमें जूम टीवी में, मैन अप। हाँ जूम मैन अप, ये देखा तब से एकदम प्ले बॉय टाइप हो गया है, बुल हो गया, मतलब एकदम काउ से बुल हो गया। काउ से सांड हो गया। जी जी वही पूछना चाहते हैं, वही सिखाते हैं वहाँ पे। तो वो पूछना चाहते वापस गाय कैसे बनाए? उसका वो एक तो शो दिखाना बंद करो और दूसरा ऑपरेशन करा दो। उनका कि इनका? इनका। अच्छा
फिर से गाय बन जाएंगे, दूध भी देंगे, पैसा भी बचेगा, सांड का क्या करोगे? मतलब टू इन वन? टू इन वन ऐसा ही बताया आपने एकदम। ऋचा जी, ऋचा जी एक टूटाफ के लिए। हाँ जी जी, ये लिखती है फरजाना एट द रेट फर्जी की अर्जी। अच्छा जी, ये लिखती हैं, 2 हफ्ते में मेरी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है, मुझे आप बता सकते हैं कौन सा ड्रेस पहनूं जिसमें मेरे हस्बैंड का टेम्परेचर राइज हो जाए? मुझे लगता है जो उन्होंने सुहाग रात के वक्त पहना होगा वही पहनना चाहिए, ताकि उनकी यादें ताज़ा हो जाएं और पति को उनमें रुचि आ जाए या जो भी हो। मतलब अपने उन्हीं के साथ जो सुहाग रात हुआ था वही तो, और किसके साथ होगी भाई? और कुछ ना पहने तो बेटर है उससे मेरे ख्याल से चांसेस ज्यादा है। ये और भी सही है मतलब। हाँ, ये अंदर की बात है एकदम आपने कहा। रणदीप जी, इस बात पे एक और टूट का जवाब दे दीजिए। ये सुमित सिंह एट द रेट सिंह चने जी, वो पूछना चाहते हैं, योर बॉडी इज वेरी चिसल्ड। हाँ, तराशा हुआ शरीर एकदम से, मतलब कटीला टाइप। हाँ, जी, हाँ। जी 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 जी, लिखते हैं कि ये डे की एक्सरसाइज का कमाल है या रात की धमाल का? देखो, एक के बगैर दूसरा, दूसरे का फायदा नहीं होता, और अगर दिन में एक्सरसाइज करोगे तो रात को एक्सरसाइज करने का और भी मौका मिलेगा। सही बात है, 2 और 2 करेंगे तभी ना 4 होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारा तो ये टूट का किस्सा भी खत्म हो गया, जवाब मिल गया उनको। ठीक है ना, अभी आपकी फिल्म आ रही है मैं और चार्ल्स। हाँ। जी, कब आ रही है ये फिल्म जरा हम भी? 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर को आ रही है। 30 अक्टूबर को हम भी जाएंगे, फिल्म देखेंगे। जी बिल्कुल, वहाँ पे जाके देखा, तुम्हें बहुत एजुकेशन मिलेगी कैसे क्या, मतलब क्रिमिनल टाइप लव करना कैसे होता है। क्रिमिनल की भी एजुकेशन मिलेगी और लव की भी एजुकेशन मिलेगी, तो फिर क्या हो जाएगा वो क्रिमिनल लव। एक सेल्फी ले लें? मैं से लेना, इनके साथ लेना, इनके साथ फायदा, इनके साथ ज्यादा फायदा होगा। और आप थोड़ा सा और ऐसे करके कर, वो तो सर आप ही रहते हैं मतलब वहां। नहीं, मैं हट जाऊंगा ना, मैं उधर मुंह कर लूंगा। नहीं नहीं ऐसा जी जी जी, ये सेल्फी है, ये थोड़ा नया टाइप का सेल्फी है। अच्छा जी, आया क्या?